Hello students, in today's lecture number 10, we shall discuss some more numerical problems on the concept of earth magnetism and magnetic elements. तो ये बड़ा important topic बन रहा है इस बार, तो इसके ऊपर कुछ numerical problems ले लेते हैं. क्या है पहला question देखिए, the declination at a place is 15 degree. Declination जिसे हम capital D से या theta से represent करते हैं, वो किसी जगह पर 15 डिग्री है. 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ. अब देखिए वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या है. यदि मैं डायरेक्शन बनाऊं तो ये देखिए, ये हो गया ज्योग्राफिक नॉर्थ, जीएन मतलब ज्योग्राफिक नॉर्थ, और ये हो गया ज्योग्राफिक साउथ. ये क्या हो गया, ज्योग्राफिक साउथ हो गया. ठीक है, कह रहा है कि द डेक्लिनेशन एट ए प्लेस इज 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ इन विच डायरेक्शन शुड ए शिप बी स्टीयर्ड सो दैट इट रीचेज ए प्लेस ऑफ प्लेस ड्यू ईस्ट. यानी किसी जगह पर डिक्लिनेशन 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ है. डिक्लिनेशन 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब हो गया कि उस जगह पर जो मैग्नेटिक निडल है वो इस तरीके से अलाइन करती है अपने आप को. ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया. ये मैग्नेटिक नॉर्थ हुआ ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ, और ये मैग्नेटिक साउथ हुआ. तो ये कितने डिग्री पर डिक्लिनेशन, ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कैपिटल डी इस जगह दे रखा है थीटा. और किस तरफ दे रखा है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ. तो ये होता है वेस्ट, आप जानते हो, और ये होता है ईस्ट. तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का वेस्ट, यही तो हुआ 15 डिग्री है. सो इन विच डायरेक्शन शुड ए शिप बी स्टीयर्ड, यानी शिप तो ऐसे जा रहा होगा ना, लेकिन ये शिप को किस तरीके से मोड़ा जाए जिससे कि वो कहां पहुंच जाए, प्लेस ड्यू ईस्ट, कहां पहुंच जाए, ईस्ट में पहुंच जाए. तो कैसे मोड़ा जाए शिप को, फिर शिप को कैसे मोड़ा जाए कि शिप इस डायरेक्शन में चला जाए, ईस्ट में चला जाए. ठीक है, ऐसे जा रहा था सिर्फ, तो ईस्ट में जाना है उसको, तो कैसे मोड़, कितने डिग्री एंगल से मोड़ना पड़ेगा उसको. तो देखिए साफ साफ दिख रहा है, ये एंगल 15 डिग्री है, और ये एंगल कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री, ये एंगल होगा 90 डिग्री. तो सिप को कितने से स्टीयर करना पड़ेगा, सिप को स्टीयर करना पड़ेगा, सिप शुड बी स्टीयर्ड बाय एन एंगल कितना, 15 डिग्री प्लस 90 डिग्री. ये यहां इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में जा रहा था पेंसिल की डायरेक्शन में, और इसको अब ईस्ट में ले जाना है, तो कितना मोड़ना पड़ेगा, 15 प्लस 90 मोड़ना पड़ेगा, दैट इज कितना हो गया, 105 डिग्री, 105 डिग्री. ठीक है, ये इतना आपको क्या करना पड़ेगा, स्टीयर करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा शिप को ईस्ट में भेजने के लिए. तो शिप को ईस्ट में भेजने के लिए हमें यहां से यहां तक का एंगल आपको लेना पड़ेगा, और ये जो एंगल मैंने पेन से बनाया है ये है 105 डिग्री. कैसे आया, इस तरीके से आया. तो शिप को कितना मोड़ना पड़ेगा बेटा, 105 डिग्री. समझ में आ गई बात. ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं. ए शिप इज टू रीच ए प्लेस 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट. एक शिप को एक जगह पहुंचना है, किस जगह पर, 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट. ठीक है, 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट. ठीक है, तो बना लो पहले डायरेक्शंस. ये हो गया आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये हो गया आपका ज्योग्राफिक साउथ, और ये हो गया आपका ज्योग्राफिक वेस्ट, और ये हो गया ज्योग्राफिक ईस्ट. ठीक है, तो कह रहा है ए शिप इज टू रीच एट ए प्लेस 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट. अब ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है बेटा. इस वेस्ट डायरेक्शन के 10 डिग्री साउथ, यानी इस तरफ, ये साउथ है, तो इससे 10 डिग्री की तरफ, इस तरफ. ठीक है, ये 10 डिग्री, ये 10 डिग्री. ठीक है, ये 10 डिग्री, समझ में आ गई बात, ये 10 डिग्री. ठीक है, तो इस जगह पहुंचना है,
10 डिग्री पर पहुंचना है शिप को, ठीक है। तो इन विच डायरेक्शन शुड इट बी स्टीयर्ड इफ द डेक्लिनेशन एट ए प्लेस इज 18 डिग्री, यदि उस जगह पर डिक्लिनेशन कितना है 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ डिक्लिनेशन दे रखा है। डिक्लिनेशन का मतलब जो मैग्नेटिक निडल है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ से 18 डिग्री वेस्ट में है। तो ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ और ये हो गया मैग्नेटिक साउथ। ये जो मैग्नेटिक निडल का डायरेक्शन होता है वही तो आपको क्या बताएगा, ये डिक्लिनेशन बताएगा। और कितना है डिक्लिनेशन वेस्ट की तरफ नॉर्थ से, वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से वेस्ट की तरफ कितना डिग्री 18 डिग्री, ऐसे सिप जा रहा है, ठीक है 18 डिग्री। अब इसको कितने एंगल से मोड़ना पड़ेगा, देखो इतने एंगल से मोड़ना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में जा रहा था और जाना है इस डायरेक्शन में, तो इतने एंगल से मोड़ना पड़ेगा। ये जो मैंने पेन से बनाया है एंगल, ये एंगल हम फाइंड आउट कर लें, तो ये इतने एंगल से आपको सिप को मोड़ना पड़ेगा। तो ये एंगल कितना होगा, देखिए सिप शुड बी स्टीयर्ड, मोड़ना पड़ेगा कितने एंगल से, देखो ये यहां से और यहां तक का एंगल, देखना मैं बता रहा हूं कि ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक वेस्ट एक दूसरे से कितने एंगल पर है 90 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल हुआ बेटा, ये कितना हुआ, ये हुआ 90-18 हुआ या नहीं भाई, यहां से यहां तक का ये टोटल एंगल देखना, ये टोटल एंगल 90 डिग्री है और ये 18 है, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना हुआ 19-18, ठीक है। तो 19-18 तो ये हो गया 19-18 डिग्री, ठीक है क्लियर। और प्लस 10 डिग्री और आ जाएगा, तभी तो ये टोटल एंगल आएगा भाई। 19-18 तो यहां से यहां तक का आ गया और यहां से यहां तक का कितना है 10 डिग्री, तो ये 10 डिग्री, ठीक है। यानी 100 में से 18 डिग्री माइनस कर दो, 100 में से ये कितना हो गया बेटा 190 और 10 कितना हो गया 100 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 82 डिग्री आ गया। कितने एंगल से मोड़ना पड़ेगा 82 डिग्री एंगल से मोड़ना पड़ेगा, स्टीयर करना पड़ेगा किसको, सिप को। समझ में आ गई बात। तो इन ऐसे सवालों में क्या समझने की जरूरत है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन दे रखा है, इसका मतलब आपको निडिल का, कंपास का निडिल का डायरेक्शन दे रखा है, ठीक है। और वो दे रहा है कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कितना है 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 18 डिग्री वेस्ट की तरफ, ऐसे कंपास है, कंपास का निडिल ऐसे बता रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा आपको आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने एनसीईआरटी का। इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ ए सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.26 गॉस। कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.26 गॉस, या फिर इसको लिखें 0.26 इंटू 10^-4 टेस्ला। 1 गॉस बराबर कितना होता है, 1 गॉस इज इक्वल टू होता है 10^-4 टेस्ला। ये बात आप जानते हो, 1 गॉस का मतलब होता है 10^-4 टेस्ला, ठीक है ये बात आपको पता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। एंड द डिप एंगल इज 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप क्या होता है जानते हो क्या, एंगल ऑफ डिप का मतलब जानते हो क्या, जैसे ये आपका अर्थ है, ठीक है ये अर्थ है, तो ये हो गया बेटा ज्योग्राफिक नॉर्थ और ये हो गया ज्योग्राफिक साउथ, ठीक है, और ये ज्योग्राफिक वेस्ट और ये ज्योग्राफिक ईस्ट। तो ये जो प्लेन है जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को मिलने से बना, इस प्लेन को कहते हैं क्या, ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये क्या कहलाता है, ज्योग्राफिक
मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन कहलाता है, ठीक है। और इसका ये मैग्नेटिक एक्सिस है, जो कोई मैग्नेट है वो इस तरीके से आप अपने आप को अलाइन करता है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ और ये मैग्नेटिक साउथ। अब मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के बीच जो एंगल होता है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, ठीक है, ये जो प्लेन बनता है मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ से जो जा रहा है, ये कहलाता है क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। ये जानते हो, जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। तो ये वाला जो प्लेन बना बेटा, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये क्या बना, जियोग्राफिक मेरिडियन। इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है, जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल, ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप, जिसको इंक्लिनेशन भी कहते हो आप, ठीक है, जिसको इंक्लिनेशन भी कहते हो। आई या डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 60 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप यानी इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट दिस लोकेशन, अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा अर्थ का, तो देखिए मैंने आपको बताया था इसी डायग्राम से, मैं समझू कि ये मान लीजिए मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है। और ये वाला जो प्लेन है, ये हो जाएगा आपका जियोग्राफिक मेरिडियन, ये क्या कहलाएगा, जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है, जियोग्राफिक मेरिडियन कहलाएगा। जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है, ये एंगल ऑफ डिप, ये कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप कितना दे रखा है बेटा, 60। जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप या जिसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी हम कहते हैं, सॉरी ये वाला नहीं होगा, एंगल ऑफ डिप ये वाला नहीं होगा, यस। ये हो गया आपका रिजल्टेंट डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, और ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में होता है, ये आप जानते हो। ये वाला एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री, ये है आपको एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। ये वाला एंगल रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच का एंगल, एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहलाता है। जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है, वो तो एंगल ऑफ क्या कहलाता है, वो जो कहलाता है थीटा या कैपिटल डी, डेक्लिनेशन कहलाता है। ये कैपिटल डी है बेटा, ये कैपिटल डी है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, या क्या कहते हैं, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन को, या फिर रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो जियोग्राफिक और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन कहलाता है, ध्यान देना, ठीक है। और ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कितना दे रखा है, 60 डिग्री। चलिए अब ये VH है, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये क्या कहलाता है, वर्टिकल कंपोनेंट। अब आप सब जानते हो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर होता है, बी कॉस डेल के बराबर होता है। हमें चाहिए क्या, बी चाहिए, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी एच अपॉन कॉस डेल, यही तो आएगा, बी एच अपॉन कॉस डेल, बी एच अपॉन कॉस डेल, ठीक है। अब बी एच का वैल्यू कितना है, 0.26 × 10⁻⁴ टेस्ला, और कॉस डेल मतलब 60 डिग्री, कॉस डेल का मतलब क्या हो गया, कॉस 60 डिग्री हो गया, ठीक है। कॉस डेल कितना आ गया बेटा, कॉस 60 डिग्री आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो आपको वैल्यू पता लग जाएगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की वैल्यू पता लग जाएगी। तो कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है, कॉस 60 कितना होता है बेटा, 1/2 होता है, जानते हैं आप।
तो cos 60 कितना है बेटा, ये यहाँ लिख दो v, और v इज इक्वल टू 0.26 इंटू 10^-4, और यह नीचे 1/2, और 1/2 से चला गया 2 ऊपर, तो 2 इंटू 0.26 इंटू 10^-4, तो ये हो गया 0.52 इंटू 10^-4 टेस्ला। इतना आंसर आ गया 0.52 इंटू 10^-4 टेस्ला। ठीक है, ये बी आ गया। जिसको गॉस में लिखना चाहते हो तो 10^-4 टेस्ला गॉस के बराबर होता है, यानी 0.52 गॉस ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, या टेस्ला में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल इस रिलेशन से पता लग गया हमें। तो एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन क्या होता है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच का एंगल। ठीक है, और एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होता है, ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल। ये जो एंगल यहां पर मैं दिखा रहा हूं, ये वाला जो एंगल है बेटा, ये वाला जो एंगल है ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच, ये एंगल ऑफ डेक्लिनेशन कहलाता है, जिसे कैपिटल डी या थीटा से रिप्रेजेंट आप करते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर। इक्वेटर पर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर इज अप्रोक्सीमेटली 0.4 गॉस। ठीक है, इक्वेटर पर एस्टिमेट द अर्थ डाइपोल मूवमेंट। अर्थ का डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, अर्थ का डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, तो जो इक्वेटर पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखना कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, इक्वेटर पर। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर, तो ये है हमारी अर्थ, और ये है आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये है ज्योग्राफिक साउथ, ये होता है ज्योग्राफिक वेस्ट, और ये होता है ज्योग्राफिक ईस्ट, और ये कहलाता है अर्थ का इक्वेटर। क्या कहलाता है, अर्थ का इक्वेटर। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो किसके बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। तो बी एच, ठीक है, ये कितना दे रखा है, 0.4 गॉस, जिसे और क्या लिखा जा सकता है, 0.4 इंटू 10^-4 टेस्ला, ऐसे लिख सकते हो। अब क्या कह रहा है कि अर्थ का डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट कितना होगा अर्थ का, ये पता करना है। तो इक्वेटर की बात हो रही है, एट इक्वेटर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। ठीक है, इक्वेटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला, जिसको हम बी एच कह रहे हैं अभी, ठीक है, ये कितना निकाला था, ध्यान करो, इक्वेटर पर μ0/4πm/r³, यही तो आया था, m/r³। तो यहां से m पूछ रहा है वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तो कितना हो जाएगा, आप सॉल्व कीजिए इसको, 4π/μ0, ठीक है, और r³ ऊपर चला जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, bh, यही तो होगा, किसका वैल्यू, m का, यहां से निकाल लिए। अब 4π तो ऊपर है ही, और μ0 का वैल्यू क्या होता है, 4π × 10^-7, ठीक है, और इंटू r³ क्या होगा, अर्थ का रेडियस, ठीक है, कितना होता है, 6400 किलोमीटर। तो कितना, 6400 किलोमीटर का मतलब 10^3, और ये 2 है तो 10^5, ठीक है, मीटर, इतना हो जाएगा ना, 64 × 10^5 मीटर। तो 64 × 10^5 होल क्यूब है, होल क्यूब, और VH का वैल्यू है 0.4 × 10^-4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, 4π से 4π कैंसिल हो गया। अब देखो जरा, ऊपर 64 × 64 × 64 तीन बार, और ये 10^5 का हो गया 15, और 0.4 और इंटू 10^-4, तो इसको लिख सकते हैं 4 × 10^-5, और नीचे से -7 ऊपर जाएगा तो +7, यही तो आएगा इसको सॉल्व करने पर। ठीक है, और इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो 15 और 7 22, और 22 में से 5 गए तो बचा कितना,
17, ठीक है। और जब इनको सॉल्व करोगे 64 × 64 × 64 तो ये लगभग आ जाएगा 1.04 × 10^23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करना, ये वैल्यू आ जाएगी 64 × 64 × 64 × 4, ठीक है। इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। हालांकि इसके लिए रिलेशन आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें की पॉइंट क्या था क्वेश्चन में, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर, इसी को ही हम क्या कहते हैं, इक्वेटर पर जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है वही तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ये की पॉइंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है, बाकी तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, ए सिप इज सेलिंग ड्यू वेस्ट। तो पहले तो डायरेक्शंस बना लेते हैं, ये है आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये है आपका ज्योग्राफिक साउथ, ये है ज्योग्राफिक ईस्ट और ये है ज्योग्राफिक वेस्ट, ठीक है। सिप किस तरफ जा रहा है, वेस्ट में, यानी वेस्ट में मतलब इस तरफ जा रहा है सिप, वेस्ट में, ड्यू वेस्ट का मतलब वेस्ट में जा रहा है सिप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैरिनर्स कंपास, कंपास के, यदि मैरिनर्स कंपास की के अनुसार देखें तो सिप किस तरफ सेल कर रहा है, किस तरफ जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, ठीक है, ड्यू वेस्ट। इफ द डेक्लिनेशन ऑफ द प्लेस इज 15 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इस जगह जो डेक्लिनेशन है वो 15 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, तो 15 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ इसका क्या होगा, 15 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ऐसे जाएंगे ना, इस तरफ जाएंगे, 15 डिग्री ईस्ट मतलब इस तरफ घूमेंगे, ईस्ट इधर है ना, तो इस तरफ घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो 15 डिग्री ईस्ट, ये डेक्लिनेशन हो गया 15 डिग्री ईस्ट, ठीक है, ये दे रखा है 15 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ हुआ या नहीं, नॉर्थ की तरफ ईस्ट में, ठीक है, नॉर्थ की तरफ 15 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ से 15 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 15 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो व्हाट इज द ट्रू डायरेक्शन ऑफ द सिप, तो ट्रू डायरेक्शन क्या है सिप का, अब डेक्लिनेशन ये है आपका 15 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ और इस डायरेक्शन में सिप जो है वेस्ट में जा रहा है, सिप कहां जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, किसकी, किसके अनुसार, कंपास के अनुसार, कंपास के अनुसार तो वो वेस्ट में जा रहा है, लेकिन वहां पर जो डिप है, डेक्लिनेशन है, वो 15 डिग्री है, 15 डिग्री किस तरफ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ की तरफ, तो इसका मतलब सिप इस तरफ जा रहा होगा, सिप इस तरफ जा रहा होगा, तो वास्तव में वो पोजीशन कितनी है, ये एंगल कितना होगा, वही तो पोजीशन होगी सिप की, और ये एंगल कितना होगा 90 − 15 और ये कितना आ जाएगा 75 डिग्री, 90 − 15 कितना हो जाएगा 75 डिग्री, यानी ट्रू डायरेक्शन जो आएगी, ट्रू डायरेक्शन ऑफ सिप क्या आई आपकी, 75 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यही तो आएगी 75 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट की तरफ है, 75 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ आएगी, समझ में आ गई बात, 75 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ आएगी, कैसे, देखो वेस्ट में जा रहा था कंपास के अकॉर्डिंग, लेकिन वहां पर डेक्लिनेशन कितना है 15 डिग्री ईस्ट की तरफ ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 15 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, ये हो गया 15 डिग्री, तो 15 डिग्री या इसका मतलब ये जो सिप है बेसिकली इस तरफ जा रहा है, ये ट्रू डायरेक्शन है, तो ट्रू डायरेक्शन ज्योग्राफिक नॉर्थ से कितना हो गया 75 डिग्री, नॉर्थ से किस तरफ हुआ 75 डिग्री वेस्ट की तरफ, तो 75 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये ट्रू डायरेक्शन हो गया सिप का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया है मैंने, 5.10 क्या कह रहा है, ए मैग्नेटिक निडल फ्री टू रोटेट इन ए वर्टिकल प्लेन, ए मैग्नेटिक निडल फ्री टू रोटेट इन ए वर्टिकल प्लेन, एक मैग्नेटिक निडल है जो कि रोटेट करती है फ्रीली कहां, वर्टिकल प्लेन में, ठीक है, पैरेलल टू मैग्नेटिक मेरिडियन, जो कि किसके पैरेलल है, मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल है, मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल है,
आगे क्या लिख रहा है, हैज इट्स नॉर्थ टिप पॉइंटिंग डाउन एट 22 डिग्री, और उसका नॉर्थ टिप जो है जो पॉइंटिंग डाउन है वो 22 डिग्री पर है। देखिए, मैग्नेटिक निडिल फ्री टू रोटेट इन ए वर्टिकल प्लेन, एक मैग्नेटिक निडिल वर्टिकल प्लेन में रोटेट करने के लिए फ्री है। पैरेलल टू मैग्नेटिक मेरिडियन, जो कि किसके पैरेलल है, मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल है। हैज इट्स नॉर्थ टिप पॉइंटिंग डाउन एट 22 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और जो उसका नॉर्थ टिप है वो डाउन की पॉइंटिंग डाउन यानी नीचे झुका हुआ है 22 डिग्री, किससे, हॉरिजॉन्टल से, 22 डिग्री हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, अब मान लीजिए ये मैग्नेटिक निडिल है, ये मैग्नेटिक निडिल है, सॉरी मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है जी। ठीक है, अब कह रहा है कि एक मैग्नेटिक निडिल फ्री टू रोटेट है इन ए वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू मैग्नेटिक मेरिडियन, हैज इट्स नॉर्थ टिप पॉइंटिंग डाउन एट 22 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यानी जो नॉर्थ है वो वर्टिकल प्लेन में मैग्नेटिक निडिल घूम रही है, तो मतलब ऐसे है, ऐसे घूम रही है वर्टिकल प्लेन में, ऐसे घूम रही है ऐसे, तो जो नॉर्थ टिप है, ये मान लीजिए नॉर्थ टिप है, तो ये नॉर्थ टिप नीचे की तरफ झुकी हुई है हॉरिजॉन्टल से, कितना नीचे झुकी हुई है, 22 डिग्री, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री नीचे झुकी हुई है, 22 डिग्री, जितना नीचे झुकी हुई है वो क्या हुआ, वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हुआ, यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको दे रखा है, जिसको कैपिटल आई या फिर डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितना दे रखा है, 22 डिग्री। इसका मतलब ये है, जितना मैग्नेटिक निडिल का नॉर्थ टिप नीचे की तरफ झुकता है हॉरिजॉन्टल से, मैंने आपको बताया था पहले भी कि मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल है, ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और मैग्नेटिक ये मैग्नेटिक निडिल फ्री टू रोटेट थी, पहले रोटेट करती है मैग्नेटिक निडिल, और रोटेट करने के बाद में वो उसका जो नॉर्थ टिप है वो नीचे की तरफ झुक जाता है, ऐसा मैंने आपको कल बताया था। मान लीजिए ये नॉर्थ है, तो रोटेट की ये फ्रीली सस्पेंडेड है, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में घूम रही है, अब ये कुछ समय तक तो रोटेशन में रहेगी, और रोटेशन में आने के बाद में कुछ समय के बाद में ये स्टेशनरी हो जाएगी, ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगी, उसके बाद में इसका जो नॉर्थ टिप है ना वो हॉरिजॉन्टल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से कितना झुक जाए, कितना नीचे झुक गई, नॉर्थ टिप जो है हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे झुक गया बेटा, ये नॉर्थ टिप झुक गया नीचे, और कितना नीचे झुका, ये एंगल दे रखा है आपको 22 डिग्री, और ये जो जितना नीचे झुका, ये नॉर्थ टिप जितना नीचे झुका, ये वाला जो एंगल है ये 22 डिग्री, ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या हम डिप कहते हैं, एंगल ऑफ डिप इसको कहेंगे। नॉर्थ जब किसी मैग्नेटिक निडल को फ्रीली सस्पेंड करते हो तो पहले वो रोटेट होती है, रोटेशन में आती है, उसके बाद में वो स्टेशनरी होकर के अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है, फिर उसके बाद में मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ पोल है, मान लीजिए ये नॉर्थ है, तो ये नीचे की तरफ झुक जाता है हॉरिजॉन्टल से, जितना हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ झुका ये एंगल कहलाता है क्या, एंगल ऑफ डिप यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये दे रखा है 22 डिग्री। समझ में आ गई अब बात। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज नॉन टू बी 0.35 गॉस, और वहां पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वो भी दे रखा है कितना, 0.35 गॉस दे रखा है, ठीक है, इतना गॉस, टेस्ला में लिखना चाहो तो लिख सकते हो या गॉस में ही हम निकाल लेंगे। डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस, तो उस जगह अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब आप जानते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यानी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इनटू कॉस डेल, यही तो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब यहां से बी निकालना है तो बी एच अपॉन कॉस डेल, यही तो करेंगे, ठीक है, तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी एच का वैल्यू रखो 0.35 और कॉस डेल मतलब कॉस 22 डिग्री। अब कॉस 22 डिग्री का वैल्यू आपको कॉस टेबल से देखना पड़ेगा बेटा, ठीक है, कॉस टेबल से आप देख लोगे, कोसाइन टेबल से, साइन टेबल से, तो इसका जो वैल्यू है कॉस 22 का वैल्यू लगभग 0.9272 इतना होता है। जब इसको सॉल्व करोगे तो जो बी का वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.38 गॉस आ जाएगा, ठीक है। इस कॉस 22 की वैल्यू की चिंता करने की जरूरत नहीं है,
आप एग्जाम में कॉस्ट टेबल उनसे डिमांड कर सकते हो, वो आपको कॉस्ट टेबल देंगे और कॉस्ट 22 डिग्री की वैल्यू आप उससे देख लेंगे, तो 0.38 गॉस इसका आंसर आ जाएगा। चलिए एक लास्ट सवाल और करते हैं आज। क्वेश्चन क्या है, एट ए सर्टेन लोकेशन इन अफ्रीका, अफ्रीका में किसी सर्टेन लोकेशन है, ठीक है, कहां पर, सर्टेन लोकेशन इन अफ्रीका, ए कंपास निडिल पॉइंट्स 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द ज्योग्राफिक नॉर्थ, एक कंपास निडिल ज्योग्राफिक नॉर्थ से 12 डिग्री पर है, ठीक है। ये देखिए, पहले तो ये बना लो, ये है ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये है ज्योग्राफिक साउथ, ये है ज्योग्राफिक वेस्ट और ये है ज्योग्राफिक ईस्ट। कंपास निडिल 12 डिग्री, कंपास निडिल पॉइंट्स 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द ज्योग्राफिक नॉर्थ, यानी कंपास निडिल, मान लीजिए ये कंपास निडिल है तो 12 डिग्री वेस्ट, ये 12 डिग्री, सॉरी 120 लिख दिया, ये 12 डिग्री है, ठीक है, कितना है 12 डिग्री, ठीक है। ये कंपास निडिल का क्या हो गया, मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया और ये मैग्नेटिक साउथ हो गया, ठीक है, ये दे रखा है। कंपास निडिल ज्योग्राफिक नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 12 डिग्री पर अपने आप को अलाइन कर रखी है। द नॉर्थ टिप ऑफ द मैग्नेटिक निडिल, आगे लिख रहा है, द नॉर्थ टिप ऑफ द मैग्नेटिक निडिल ऑफ ए डिप सर्किल प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन 0.60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, और ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री अबव है, हॉरिजॉन्टल से जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ हॉरिजॉन्टल से कितना है, 60 डिग्री अबव है, ठीक है। देखिए दोबारा पढ़िए लैंग्वेज को, द नॉर्थ टिप ऑफ द मैग्नेटिक निडिल ऑफ ए डिप सर्किल, डिप सर्किल यानी एंगल ऑफ डिप दे रखा है बेटा ये, हॉरिजॉन्टल, अब ये ऐसे थी मैग्नेटिक निडिल, अब नॉर्थ टिप ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, अब ये नीचे कितनी झुकी हुई है, ऐसे झुकी हुई है, ये हॉरिजॉन्टल देखो, जैसे ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो पीली पेंसिल मैंने बनाई है, ये मैग्नेट का नॉर्थ हो गया, मैग्नेट है मान लीजिए, मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया और इधर ये हो गया मैग्नेटिक साउथ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में ऐसे इसने अपने आप को अलाइन कर लिया 12 डिग्री वेस्ट ऑफ ज्योग्राफिक नॉर्थ। अब उसके बाद में कुछ समय के बाद में इसका जो नॉर्थ टिप है वो नीचे की तरफ झुक जाता है हॉरिजॉन्टल से, देखिए ये पेन था हॉरिजॉन्टल, पेन को मैंने हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में रखा और जो नॉर्थ टिप है वो झुक गया नीचे, कितने एंगल से झुक गया, 60 डिग्री से, तो ये 60 डिग्री इस पेन और पेंसिल के बीच का एंगल है, यानी एंगल ऑफ डिप दे रखा है, एंगल ऑफ डिप दे रखा है, समझ में आ रही है बात, एंगल ऑफ डिप दे रखा है, कितना दे रखा है एंगल ऑफ डिप, डेल या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसे कहते हैं हम, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल, और आगे क्या कह रहा है देखो, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज मेजर टू बी 0.16 गॉस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है 0.16 गॉस दे रखा है, क्या निकालना है, स्पेसिफाई द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यानी बी निकालना है, बी निकालना है, बी क्या होगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो बी एच इज इक्वल टू क्या होता है, बी कॉस डेल होता है, तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी एच अपॉन कॉस डेल हो जाएगा। अब यहां से बी एच का वैल्यू रखो 0.16 गॉस, ठीक है, गॉस, और कॉस डेल कितना है 60 डिग्री, और कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 इन, इसको लिख सकते हो आप ऐसे, गॉस अपॉन 1/2, अब 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.16 गॉस, तो ये कितना आ जाएगा 0.32 गॉस, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ गया अर्थ का, ठीक है। अब डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन जो होगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, एक वर्टिकल प्लेन जो 12 डिग्री वेस्ट ऑफ ज्योग्राफिक नॉर्थ मेरिडियन है, ज्योग्राफिक मेरिडियन, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, 60 डिग्री ऊपर की तरफ होगा, 60 डिग्री ऊपर की तरफ होगा, डायरेक्शन क्या होगा, 60 डिग्री ऊपर की तरफ होगा, डायरेक्शन क्या होगा, 60 डिग्री ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, लिख देता हूं मैं, दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइज इन ए वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन
कौन सा वर्टिकल प्लेन 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिक मेरिडियन मेरिडियन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री ऊपर की तरफ अपवर्ड, ठीक है, 60 डिग्री अपवर्ड विद द विद द विद द हॉरिजॉन्टल 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 का मतलब हॉरिजॉन्टल कौन, मैग्नेटिक मैग्नेटिक साउथ टू मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ, इस हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री अबव होगा, ठीक है, ये डायरेक्शन होगा, क्लियर है। कैसे, देखिए भाई, ज्योग्राफिक मेरिडियन वर्टिकल प्लेन 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये है आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये क्या बन गया ज्योग्राफिक मेरिडियन, इससे 12 डिग्री वेस्ट में, 12 डिग्री वेस्ट में, ठीक है, ज्योग्राफिक मेरिडियन के भी ज्योग्राफिक मेरिडियन से 12 डिग्री वेस्ट में, ठीक है। एंगल 60 डिग्री अपवर्ड विद द हॉरिजॉन्टल, ये जो है हॉरिजॉन्टल है मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ, इससे ऊपर की तरफ 60 डिग्री, इससे ऊपर की तरफ 60 डिग्री, ऊपर की तरफ 60 डिग्री का मतलब इस तरीके से ऊपर होगा, इस तरीके से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, ये डायरेक्शन हो जाएगा, जितना नीचे झुका उतना ही तो ऊपर होगा, ठीक है, तो इस तरीके से ये डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये मैग्नेटिक एलिमेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस की, उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी, फिर से एक बार इनको देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, थैंक यू वेरी मच।